के शब्द सन जे मुकर गए ते याद रखो तुसी शस्त्र दे जोर ते अपना हक ले सकदे हो तुहानू पूरी खुल होगी। अज असी शस्त्र ते चुकदे नहीं असी केवल इन्हां दे सामने खलो के यही गल कहने कि साडे नाल बैठ के गल करो साडे मसलियां दा हल करो ते हिंदुस्तान दा नैशनल मीडिया जिहड़ा है ना याद रखो सानू अतवादी ते सानू वक्खवादी कह के दुनिया दे सामने भांडदा अज भी भांड रहा। शंभू बार्डर उत्ते एदां दा माहौल बना दिता गया जिवें याद रखो बाहरी फौज हिंदुस्तान उत्ते चढ़ के आ गई होवे हजारां अथरू गैस दे गोले ते कन्ना तोड़न वाले याद रखो ग्रनेड सुटे जा रहे ने देश दे अन्नदाते उत्ते। ओ देश दा अन्नदाता जिन्हें अपनी धरती बंजर बना ली देश दा ढिड भरदिया होया अज पानिया की गल चलती है पानिया की गल सानू कणक ते झोने दे जाल च फसा दिता गया हरी क्रांति लेके आंदी पंजाब बर्बाद हो गया किन्ने क चौल खा लेंदे जी दुआबे वाले किन्ने क खा लेंदे होणगे क्योंकि दुआबा ते रहा ही नहीं पंजाब विच 90% ते शायद बाहर चला गया बजुर्ग बैठे ने एडे एडे महल छते हुए ने। वैसे हुण चौलां दी पैदावार दुआबे च ज्यादा क्योंकि साडियां कोठियां च भइए वासा करदे ने वो ज्यादा खाते हैं लेकिन खेतीबाड़ी मार विज्ञानी एक गल कहते हैं वो कहते हैं कि एक किलो झोना पैदा करने वास्ते एक किलो झोना पैदा करने वास्ते 4000 लीटर पानी लगता है 4000 लीटर ते जो पानी इन्हों कारपोरेट घराणे के कोल इन्हों के कब्जे से चला जाए तो इन्हों का लीटर भी 20 रुपये का इन्हों का 20 रुपये का लीटर बोतल कहीं 20 की नहीं आ बने हुए कैफे अंदर चले जाओ 80-80 रुपये लीटर पानी पंजाब अंदर विकता जी पंजाब विच जिहड़ा पंज पानियां दा प्रधान सूबा साडा पानी राजस्थान नूं जा रहा रिपेरियन लॉ की गल चलती है ते रिपेरियन कानून यह गल कहिंदा है कि जिस स्टेट विचों दी दरिया गुजरते ने उन्हां दरियावां दे पानी उत्ते पहला हक उन्हां स्टेटां दा हुंदा है उन्हां स्टेटां दा कुदरती स्रोत नहीं वंडे जाते अज पंजाब पांच पानियां दा देश ते पंजाब दे पानी राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली नूं जा रहे हैं तो दुवानी का मुआवजा जिहड़ा इन्हां स्टेटां वल्लों पंजाब नूं नहीं दिता जा रहा 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर्जा अज पंजाब दे सिर चढ़िया होया 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर्जा कारपोरेट घराणियां दा सरमाएदारां दा कर्जा ते सरकार माफ करदी है इतने मालिया वर्गे 9-9 हज़ार करोड़ रुपया लुट के विदेशों में चले जाते हैं लेकिन जो देश का अन्नदाता कहता वह मेरा भी कर्जा माफ कर दे ते याद रखो फिर बार्डर उत्ते अथरू गैस के गोले पानी दियां बौछारां उत्ते रबड़ दियां गोलियां प्लास्टर दियां गोलियां इत्थे नहीं रुके ये लोग याद रखो इन्होंने सड़कां पुट के किल गड़ दिते किल गड़ दिते उतरा तो कहते हैं कि राष्ट्रीय हाईवे जाम करना कानूनी अपराध है पर इन्होंने सरकार उत्ते क्यों नहीं कोई दोष आया दूंगा अगले पंजाब की हद में आके नाका ला के बह गए तो पंजाब का मुख्यमंत्री एक बार भी अखा चखा पा के यह गल नहीं कहता भी पंजाब की हद विचों बाहर चले जाओ पंजाब के अंदर तुहाडे ड्रोन कि गलों आ रहे हैं पंजाब के अंदर याद रखो ये तुहाडे ड्रोन पंजाब के किसान उत्ते देश के अन्नदाते उत्ते कि गलों अथरू गैस के गोले छड़ रहे हैं। पटियाले का डीसी चिट्ठी लिखता अंबाले के डीसी नूं लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री कितने बैठा है जिहड़ा राजा वो परजा की मां ते परजा धरने ला के बैठी होवे ते मां सुती होवे ते मां नूं की आखांगे आपां याद रखो मां सुती होवे कोम करनी नींद ते अगले उहदे धीआं पुत्तां उत्ते अत्याचार करदे होण ते मां कुसके ही ना फिर समझांगे ना इह मतरेई मां है मतरेई मां इह दिल्ली दी चहेती मां बणी है यह दिल्ली वालों के नाल तालमेल बना के चलते हैं इतों फिर समझना पवेगा मुद्दते गुजर गई रंजिशे जम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए जिस देश अंदर देश के अन्नदाते उत्ते जुल्मो सितम किया जाए जेड़ा कहता होवे कि मेरिया फसलों उत्ते MSP ला दो जे लगेगी तो आम लोगों को भी फायदा होगा आम लोगों को भी होगा साढ़े संतरे अज कि रोलते हैं साडा आलू 2 रुपये किलो जावे साडा प्याज 2-4 रुपये किलो जावे
ते जो इन्हां सरमाएदारां दी बुकल अंदर चला जाए तो उहो प्याज 150 दा अंकड़ा पार कर जाए, उहो गंढे 150 रुपये किलो हो जाण। जे MSP हर फसल उत्ते लाई जाए तो याद रखो 2-4 रुपये महंगी खरीदांगे, खरीदणगे ना आम लोग। लेकिन यह विशा बड़ा लंबा बड़ा विचारवान है, लेकिन ये ध्यान देने की लोड़ है। ये लड़ाई कली किसानों की नहीं, ये आम लोगों की लड़ाई है। मत कोई भुलेखा रखे कि मेरे को जमीन नहीं, मैं फसल बाड़ी नहीं बेचता। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये जमीन वाले की लड़ाई है। याद रखो ये हर उस मनुख की लड़ाई है जेड़ा किसान के खेत अंदर उगी हुई कणक की रोटी अपने ढिड च पा रहा।